हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक संडे राइड होने वाला है यान गाइस। आज का ग्रुप पे मेरा वाइट बीस आरसी 200, तनिष भाई का क्लासिक 350 भी है। सो यस, आज का जो गाइस वीडियो है, इस पे हम लोग एक ऑफ बीट प्लेस पे जाने वाले हैं। सो वो वाला जो ऑफ बीट प्लेस है, वो तो आप लोग को वीडियो का थंबनेल में आई गेस देख लिया होगा। एंड वीडियो का स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो ड्रोन शॉट है उसमें भी गाइस आप लोग को शायद से पता चल गया होगा। एंड फिलहाल तो अभी हम लोग हैं शालूगढ़ा पे। सो ये रहा अभी भाई, और इधर पे राजू भी है मेरा साथ, ये रहा तनिष भाई। सो गाइस, अभी इधर से राइड को स्टार्ट करते हैं। वैसे मतलब डेली जैसा एज ऑलवेज हम लोग थोड़ा बहुत आज लेट हो चुके हैं, और सिटी पे यार आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, क्या ही बताऊँ। और आज धूप भी काफ़ी अच्छा है, गर्म काफ़ी फील हो रहा है। सो यस, राइड को फटाफट इधर से स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं वो वाला लोकेशन पे। वैसे फोटोज़ मैंने जो सब देखा काफ़ी अच्छा लग रहा था ऑफ बीट प्लेस सबका। इधर पे रास्ता पे अमृत भाई भी मिल गया, जो कि मेरा स्कूल फ्रेंड है। सो अमृत भाई भी मतलब इधर ही जा रहा था, तो वही अभी प्लान बन गया, तो अमृत भाई भी हम लोग को ज्वाइन कर लिया। यस, अभी टाइम क्या हो रहा है इस देखो, अभी का टाइम हो चुका है 11:49, तो आप लोग समझ लो कितना लेट हो चुके हैं हम लोग, और अभी फटाफट इधर से निकलते हैं। और गाइस, अभी ये जो सीज़न है ना, इस पे यार जो पेड़ से पत्ता सब गिरता है, इतना अच्छा लगता है देखने में। देखो गाइस कितना सही लगता है, ऐसे पत्ता सब गिरता है, ऐसा सनलाइट गिरा है। सो और भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये वाला जो रोड है एंड द व्यू गाइस। इधर पे सामने का एक जो व्यू है ना गाइस, इतना सही लगता है मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस ये वाला जो व्यू है, ये देखो आप लोग जरा सा कितना सही लग रहा है इधर का ये नज़ारा। और भाई साहब, उस दिन इस वाला ब्रिज पे जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या ही बताऊँ। एंड इधर का ये जो बैरिकेड वाला पार्ट था, ये इधर पे अब नहीं रहा, क्या पता ट्रक तो अभी तक नीचे है क्या नहीं। ओके गाइस, सो इधर पे हम लोग ने बाइक को पार्क कर दिया है, और इधर से ये जो व्यू है गाइस, माय गॉड ये नज़ारा गाइस आप लोग थोड़ा सा देखो कितना सही लग रहा है। और वो साइड पे जो पेड़ सब है, वो हाफ तो पानी का अंदर ही है। नाइस। ओके, तो गाइस आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस जरूर से जरूर लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, और चैनल पे कोई नहीं है तो भाई जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार आप लोग जब कमेंट करते हो तो वो कमेंट सब पढ़ने में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग को अगर मेरे से और भी अच्छा से कनेक्ट होना है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो अभिषेक ब्लॉग _ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है लिंक, और डिस्प्ले का ऊपर इधर पे आ रहा है आईडी, तो जाओ फॉलो भी कर लेना। और उधर पे पोस्ट रील्स ये सब तो आप लोग को मिलना ही है। अब रोड तो इधर पर काफ़ी खड्डा बड्डा वाला है, देखो 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 कितना बड़ा बड़ा खड्डा सब है। एंड अगर लक अगर ख़राब होता है ना गाइस, तो LOL बैन ये सब पे हो ही जाता है।
मतलब इधर से जाना पड़ेगा क्या? हाँ इधर से जाना पड़ेगा। एंड ये जो एरिया है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है NHPC का, तो इसके लिए जो है कैमरा को अंदर पे रखना पड़ेगा। ओके गाइस, सो ये वाला जो एरिया था ये NHPC का, ये जो डैम वाला एरिया था इसको हम लोग क्रॉस करके, फिर अभी ये जो बेली ब्रिज है इसको क्रॉस करके इधर पे आके रुके हैं। एंड अभी इधर से हम लोग को जाना पड़ेगा ये साइड पे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओ भाई साहब क्या हॉर्न लगा के रखा है, मेरे को तो लगा ट्रेन कहाँ से आ गया। ओके गाइस, सो अभी कैमरा को जो है फिर से हेलमेट में सेट करते हैं एंड उसके बाद निकल जाते हैं आगे का सफर के लिए। अभी इधर से कितना दूर होगा फिर भी? 10-15 मिनट है बस गाइस। सो थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी मिलेगा, मज़ा होने को है। सो चलो गाइस राइड को स्टार्ट करते हैं फिर से। सो इधर से अच्छा खासा ऑफ रोड मिलने को है गाइस। क्या नज़ारा है इधर से तो, वाओ। आज बाइक का जो है 60,000 किलोमीटर जो है वो हो चुका है, मतलब बाइक 60,000 किलोमीटर जो है, 60,000 भाई साहब काफ़ी बड़ा सा माइलस्टोन है वो बाइक ने आज कर लिया है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि मीटर में ये जो नंबर है कितना सही लग रहा है देखने में। देखो गाइस 60,051, वाओ, मतलब काफ़ी दिन का ये एक पार्टनरशिप है मेरे साथ ये वाइट बीस्ट का। और ये जो जर्नी है 60,000 किलोमीटर्स का, ये जो माइलस्टोन है इस पर काफ़ी सारे मेमोरीज मैं क्रिएट किया हूँ अपना वाइट बीस्ट के साथ। और देखो इधर पे तो पिकनिक वगैरह भी चल रहा है। एंड ये रहा ये हैंगिंग ब्रिज, और लोकेशन तो अच्छा ही है। इधर पे है हैंगिंग ब्रिज एंड नीचे ये जो नदी है इसको क्रॉस करने के लिए ये वाला ब्रिज इधर का लोकल्स ने क्रिएट किया है। और हम लोग अभी जा रहे हैं वो साइड पे। ओ भाई साहब, वो साइड पे जो है वो साइड पे हम लोग ने बाइक को पार्क कर दिया है। इधर से अभी हम लोग निकल रहे हैं, सामने पे एक लोकेशन जो है हम लोग को काफ़ी अच्छा दिखा है जब हम लोग इधर पे आ रहे थे। सो उधर पे हम लोग को जो है तीस्ता का जो चर होता है उधर पे अभी हम लोग जा रहे हैं। ओ ओ भाई साहब, ये कौन सा जंगल है मेरे भाई, ओ ओ ओ, ओ इतना बड़ा बड़ा पत्थर सब। एंड इधर पे आने का वैसा कोई प्लानिंग नहीं था, ऊपर से जब हम लोग रोड से उधर से आ रहे थे तो वो टाइम पे हम लोग को ये वाला जो लोकेशन है दिख रहा था ऊपर से एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड वैसे यार काफ़ी ब्यूटीफुल भी है ये जगह। और इधर से हम लोग ने ड्रोन भी फ्लाई किया, कितना मस्त वाला शॉट है, कैसा लगा भी भाई ये वाला लोकेशन? एकदम खतरनाक। Thank you.
गाइस अभी तो इधर पे बारिश भी आ रहा है और गोप्रो को भी मैं बैग के अंदर ही डाल दिया हूँ क्योंकि यार बैटरी का जो चार्ज है वो खत्म हो ही चुका है। और ये वाला जगह मैं एक बार आप लोग को ठीक से दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस कुछ ऐसा ही है और इधर पे कुछ रील्स का शॉट लेने का प्रयास इधर पे चल रहा है। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट शेयर तो कर ही देना गाइस, क्योंकि यार ये जो जगह है ये जगह मेरे को लग रहा है कि नॉर्थ बंगाल का वाइट डेजर्ट ऐसा ही फील दे रहा है ये जगह। और काफ़ी दूर तक है, मतलब ये जगह ऐसे काफ़ी दूर तक जा रहा है। हम लोग तो गाइस इधर से शूट वगैरह ले रहे थे। सो वही है, आई होप कि आप लोग को आज का ये वाला वीडियो पसंद आएगा। सो वीडियो को इधर पे एंड करते हैं। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सावधान रहो, बाय बाय, ठीक है। तो चलो जी यार गाइस मिलते हैं अपना कोई अगला धमाकेदार वीडियो का साथ। टिल देन बाय बाय।